हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी का हलवा। उसके लिए मैंने यहाँ ले ली है एक लौकी और उसे मैं बीच में से कट कर लूँगी और उसके बाद हमें इसको पेल ऑफ कर लेना है, यानी कि दोनों लौकी के टुकड़े को अच्छी तरह से छिल लेना है। और यहाँ मैंने दोनों टुकड़ों को अच्छे से छिल लिया है, तो अब मैं इसे बीच में से कट कर लूँगी और इसका गूदा हमें निकाल देना है क्योंकि उससे बिल्कुल भी टेस्ट इसमें अच्छा नहीं आता है। बस इसी तरह से हमें पूरी लौकी का गूदा निकाल लेना है और अगर आप चाहें तो पहले लौकी के आसपास से किस लीजिएगा और बीच बीच में गूदा बचा दीजिएगा। तो इसी तरह से मैं पूरी लौकी का गूदा निकाल लेती हूँ। अब मैंने यहाँ ले लिया है एक ग्रेटर और आप देख सकते हैं इसमें पतली वाली झारी भी है और मोटी वाली भी है, तो हम मोटी वाली से किसेंगे। उससे क्या होगा, मोटी वाली से किसेंगे ना तो इसमें लच्छे ना बड़े बड़े मोटे मोटे से आएंगे और जो शादियों में हम खाते हैं ना वो हलवाइयों के हाथ वाला, वो मोटे लच्छे होते हैं तो उससे हलवा देखने में भी अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से मैं आपको किसके भी बता देती हूँ कि मैंने कितने बड़े बड़े लच्छे रखे हैं और अगर आपको पतला रखना है, मतलब अगर पतली किसने से कर रहे हैं तो आप पतला भी रख सकते हैं, बस वो हलवा ना पूरा घुल जाएगा। तो इसी तरह से मैंने पूरी जो लौकी है उसको किस लिया है और अभी इसमें बहुत ज़्यादा पानी है क्योंकि ये जो लौकी थी ना वो बिल्कुल ताज़ी थी। अब हमें इसका पानी निचो लेना है, तो मैंने यहाँ ले लिया एक सूती कपड़ा, आप चाहें तो कोई रुमाल भी ले सकते हैं और उसमें हम इसका पूरा पानी निकाल देंगे क्योंकि लौकी जब ताज़ी होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और कभी कभी लौकी में बिल्कुल भी पानी नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सूख जाती है, तो आप वो जब सूखी सूखी लगे तो आपको बिल्कुल निचोने की ज़रूरत नहीं है। और ये पानी जो हमने निकाला है इसे बिल्कुल फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस पानी है, तो आप चाहें तो किसी सब्ज़ी में इसे यूज़ कर लीजिएगा या फिर नमक डाल के ऐसे भी पी सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हमने इसको पूरा नहीं निचोया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी है क्योंकि हमें इसका टेस्ट भी बरकरार रखना है। यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन और उसको गैस पे रख दिया है और उसमें मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून यानी कि 4 चम्मच घी। आप चाहें तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं और चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। तो अब हमारा घी गर्म हो गया है तो मैं यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल दीजिएगा अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा हम इसको घी में तल लेते हैं ना तो इसका जो टेस्ट है ना वो इन्हांस हो जाता है और वो क्रिस्पी भी हो जाते हैं। तो बस 1 मिनट के लिए हमें इसे भून लेना है और अब हम इसको साइड में निकाल के रख देंगे। अब उसी पैन में घी हमारा ऑलरेडी गरम है, अगर आप चाहें तो थोड़ा घी और बढ़ा सकते हैं बट मैं यहाँ नहीं बढ़ा रही हूँ। उसमें मैं जो हमने लौकी किसी हुई थी ना वो हमें इसमें डाल देना है और आप देखेंगे कि इसका कलर कितना बरकरार है, मतलब ग्रीन ही है। तो जब भी आप लौकी का हलवा बनाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप हलवा बनाएं उसी टाइम इसको किसना है, ऐसा नहीं है कि लौकी को पहले किस लिया उसके बाद हम हलवा बना रहे हैं। जैसे ही आप लौकी किस लें उसके बाद डायरेक्ट हलवा बना लीजिएगा, नहीं तो जो लौकी है वो काली पड़ती जाएगी, मतलब उसका जो कलर है ना वो डल होता जाएगा। मीडियम फ्लेम पे हमें इसको भून लेना है अच्छी तरह से ताकि इसका पानी भी टूटता जाए, यानी कि पानी इसका कम होता जाएगा और साथ में जो घी के साथ ये जो लौकी तलाएगी ना उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो पानी है वो कम होता जा रहा है, बस मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें रखना है और साथ साथ में इसे चलाते भी जाना है। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि लौकी कैसे श्रिंक हो गई है, यानी कि कम हो गई है और कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया है। तो यहाँ आप इसी तरह से हमें भूनते रहना है, अभी थोड़ा सा और हमें भुनेंगे क्योंकि हमें इसका कलर थोड़ा और भी ज़्यादा डार्क चाहिए होगा, ये इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसको घी में भुनेंगे ना लौकी को उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा इन्हांस होता जाएगा। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा डार्क हो गया है तो बस इस स्टेज पर हम रुक जाएंगे क्योंकि पानी भी पूरा सूख गया है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 1 लीटर दूध, पूरा दूध हमें इसके अंदर डाल देना है और ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, यानी कि मैंने इसको उबाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो तपेली में इसको उबाल के भी डाल सकते हैं बट मैं यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। और अच्छे से इसको स्टर कर देंगे यानी कि मिला देंगे ताकि दूध और जो लौकी है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे क्या होगा कि जब हम इसको दूध को उबालेंगे ना तो एक जो मावा का टेक्सचर आता है ना वैसे ही हमारे हलवे का टेक्सचर रहेगा। इसमें हमें बिल्कुल भी मावा डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही कोई मलाई डालने की ज़रूरत होगी, सिर्फ दूध से ही हम मावे का टेक्सचर लेके आ जाएंगे। तो बस अब मैं यहाँ ढक्कन से ढक के रख दूँगी, इसे हमें तब तक ढक के रखना है जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। और अब आप देखेंगे कि एक उबाल आ गया है
और याद रखें कि उस टाइम पे हमें गैस के पास ही खड़ा होना है, नहीं तो आप इधर उधर हो जाए और दूध है वो बाहर निकल जाए, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। बस अब हमें स्टर कर देना है अच्छे तरह से, मतलब दूध और लौकी को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और गैस की फ्लेम हम हाई कर लेंगे क्योंकि हमें दूध को रिड्यूस करना है, एक मावे के टेक्सचर में लाना है। तो बस इसे चलाते रहेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। और हाँ, घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। बीच बीच में हमें दूध को ऐसे भी छोड़ देना है, मतलब स्टर नहीं करना है, ताकि दूध जल्दी से रिड्यूस हो जाए, मतलब कम हो जाए। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ इसमें एक चुटकी हरा कलर यानी कि ग्रीन कलर। आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप कर दीजिए, यह पूरी तरह से ऑप्शनल है। लेकिन हलवाई इसमें हरा कलर ज़रूर डालते हैं, इससे इसका कलर बरकरार रहता है यानी कि हरा रहता है। तो बस इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और जब तक कि दूध बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो जाता हमें इसको चलाते रहना है। अब आप देख सकते हैं दूध कितना कम हो गया है। इस हलवे की एक ख़ास बात बताऊं, लौकी हमें पूरे साल अवेलेबल हो जाती है, मतलब पूरे साल हमें मिल जाती है। तो अगर आपने एक बार ये हलवा बना के ट्राई कर लिया ना तो डेफिनेटली आप पूरे साल इसे बना के खाएंगे। और गाजर का हलवा तो आप पूरी तरह से भूल ही जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और साथ में हेल्दी भी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हैं चलाते चलाते दूध कितना रिड्यूस हो गया है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ हाफ कप यानी कि आधा कप शक्कर। आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं या फिर अगर आप चीनी कम खाते हैं यानी कि शक्कर कम खाते हैं तो उसे घटा भी सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे और आप देखेंगे जैसे जैसे चीनी घुलती जाएगी हमारा हलवा वापस से एक बार गीला हो जाएगा। तो बस इसे अच्छी तरह से हमें स्टर करते रहना है यानी कि हिलाते रहना है जब तक कि इसका पानी सोख नहीं जाता। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पानी कितना रिड्यूस हो गया है। अब हमें 2 मिनट के लिए और इसे गैस पे रखे रहने देना है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स तल के रखे थे ना वो हम इसमें डाल देंगे। हलवे का कलर देखिए आप, लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई जैसा। तो आप इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।